मुझे आशा है कि मैं इस यात्रा के लिए उत्सुक नहीं हूँ। चलो बारिश शुरू होने से पहले जल्दी चलो। मैक्स को खुश करने के लिए टैमी ने कहा। टैमी और मैक्स अपनी छोटी लाल कार में सवार हो गए और जल्दी ही बाजार गए। मार्की शहर बहुत दूर एक पहाड़ी पर बसा हुआ था, इसलिए उन्हें घर लौटने के लिए पूरा दिन लग जाता था। फिर थोड़ी देर बाद वही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। झील के बाहर एक विशाल काय सिर दिखाई दिया। ये एक राक्षस था। राक्षस झील से बाहर निकल आया और किनारे पर बैठ गया। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरा पेट लड़खड़ा रहा है। मुझे जल्द ही नाश्ता खोजने की जरूरत है। वो इधर उधर देखने लगा और पास में ही एक मकान भी देखा। याहू, ये छत मेरे नाश्ते के लिए ठीक रहेगी। उसने अपनी लंबी खुरदरी जीभ से छत को चाटा। राक्षस ने मैक्स और टैमी के घर की छत को खाना शुरू कर दिया। राक्षस ने आधी छत खा ली और अपना पेट पाल लिया। मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन छत के बचे हुए हिस्से को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो वो बैठ गया और छत के शेष हिस्से को खा गया। ये तो वाकई स्वादिष्ट था, दानव ने कहा और अंत में संतुष्ट हो गया। उस शाम जब मैक्स और टैमी घर लौटे तो बिना छत के अपना घर देखकर हैरान रह गए। अरे बाप रे, हमारी छत गायब हो गई है, ये कैसे हो गया? दूर होने पर भयानक तूफान आया होगा शायद। मुझे यकीन है कि मैंने आज सुबह गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, तो शायद हुआ भी होगा। अब छत की मरम्मत शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो कल सुबह काम शुरू करते हैं। आठ बैरी के घर चले और अपने लिए एक तंबू ले लेते हैं, टैमी ने कहा। आंटी मैरी का घर बहुत दूर नहीं था, इसलिए वो जल्द से लौट आए और एक तंबू लगा दिया।